हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहें। तो आज की ब्लॉग में आपको दिखाएंगे यात्रा से जो मम्मी पापा जी आए उनका स्वागत करते हुए। तो यहाँ पे शाम को हम बैठे हैं चूल्हे के पास और बच्चे हैं जो बर्गर खा रहे हैं और मैं है ना जो पहली बार दादी को बर्गर खिला रही हूँ। तो दादी बोल रही है बड़ा अजीब सा टेस्ट है इसका क्योंकि कभी खाते नहीं है ना। तो मैं आज फर्स्ट बार खिलाई थी ज़बरदस्ती, तो चटनी तो अच्छी लगी फिर भी दादी को, लेकिन समझ में नहीं आता इनको, अच्छा नहीं लगता है। और फिर मैं चूल्हे पे रोटी बना रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है चूल्हे पे, आप पता ही मैं बोलती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना के रोटी और भैया और को खाना खिला रही हूँ। तो एक जगह खा रहे हैं तीनों भैया और भाभी, दोनों भाभी एक जगह खाती है, लेकिन अभी मेरे साथ खाएगी भाभी बड़ी वाली, क्योंकि छोटी वाली को भूख लग रही थी तो वो पहले खा ली। और यहाँ पे जो सब्जी लेके आए हैं भैया तो इनको धो के और रख देंगे अभी, तो सुबह तक ये सूख जाएगी और तो फ्रिज में लगा दूंगी मैं। और आज शाम को भी काफ़ी सारा काम निपटा रहे हैं थोड़ा, सुबह मम्मी और पापा जी आएंगे तो फिर तो काफ़ी सारी सब्जी है तो मैं बड़े सेटअप में डाल के धो ले रही हूँ इनको। तो मैं डांट रही थी भैया को कि इतनी सारी सब्जी लेने की क्या ज़रूरत थी, ताज़ा सब्जी फिर कभी ले आता बीच में थोड़ा गैप देके, लेकिन जब लाते हैं ना इकट्ठी लेके आते हैं। तो अभी इनको मैं धो के रख दी और अब दादी के पास थोड़ी सी मैं आराम कर रही थी बैठ के। और मैं सबसे ज़्यादा क्या दादी के पास ही रही हूँ बचपन में भी, और अभी बड़ी होके भी मैं दादी को ज्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे छोटी वाली भाभी है, देखो अच्छे से मिक्स करते हुए जब तक इसका टेस्ट ऊपर की नहीं आ जाता, जब तक इसको ना क्या होता है खाने से। और यहाँ पे भैया है जो पापा जी के कपड़े दिखा रहा है मेरे को जो लेके आया है, तो सुबह काम में आएंगे। तो अभी हम सारे कपड़े देख रहे थे और ये उस दिन हम सांगानेर गए थे जब लेके आए थे, मैं दिखा नहीं पाई थी। तो ये है जो छोटी वाली भाभी लेके आई है और ये बड़ी वाली लेके आई है, तो ओढ़नी है और लहंगा है, ये वाला तो मम्मी के लिए लेके आई है। और छोटी वाली भाभी जो साड़ी लेके आई है, और जितने भी लोग घूमने गए ना उनको सबको साड़ियाँ पहनाएंगे, तो काफ़ी सारे साड़ियाँ और ड्रेस निकाल रख के रख रखे हैं। तो और यहाँ पे खाना वाना खा के रात को मेहंदी लगा रही हूँ मैं भाभी के, और सुबह देखी मॉर्निंग में फ्रिज में सब्जियाँ लगा दी। और इधर भाभी चाय बना रही है बड़ी वाली, और इधर बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं मस्ती कर रहे हैं। और मेरे को दादी बोल रही है सुबह सुबह कि जवारे देख के आओ कैसे हैं, तो अभी काम में आएंगे ये इसीलिए। और हमारे गाय के बच्चा हुआ है तो अभी ये 10-15 दिन हुए हैं इसको हुआ है, और थोड़ा सी बड़ा हुआ है अभी। छोटे बच्चों को ना बांधते नहीं है, ऐसे खुले घूमने देते हैं तो काफ़ी तेज़ दौड़ते हैं ये, तो फिर शाम को ही बांधते हैं, दिन में कम बांधते हैं। और यहाँ पे छोटे चाचा इशारों में बातें कर रहे हैं क्योंकि ये बोलते भी नहीं है सुनते भी नहीं है, और बच्चे उठते ही डोग लगा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए चाचा ना इतनी मस्ती करते हैं, इतना हंसी मजाक करते हैं, देखिए कैसे एक्टिंग करेंगे देख सकते हो आप, ये हंसाने के लिए करते रहते हैं। और ये ना बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं ना बोलते हैं, तो बस ऐसे ही सारे में करते हैं, ये मेरे को आसानी के लिए कर रहे थे अभी। तो कैम इनको पता है कैमरा ऑन है। और यहाँ पे जो मैं छत का जो दिखा रही थी आपको, तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी पेड़ छोटे छोटे थे, कोई पेड़ तो थे ही नहीं जब हम कमा रहे थे। और सामने सूरज देवता निकल गए हैं मॉर्निंग हो गई तो, और सुबह 7:30 बजे का टाइम है ये, और इतना ठंडा हो रहा था मौसम बहुत सुबह सुबह। तो मैं दिखा रही थी कि हमारे जो रसोई है ना ये वाली है, इसमें हम खाना बनाते थे पहले, तो अभी भी बनाते हैं लेकिन अभी इसमें नहीं बना रहे, स्टोर रूम बना रखे हैं।
तो यहाँ पे छत पे ही खाना बनाते थे, और इसको देखते ही मुझे बचपन की याद आ गई, क्योंकि यहीं पे खाना बनाती थी मम्मी और यहीं पे मैं भी बनाती थी, सबसे ज्यादा मैं ही बनाती थी। और ये सिलबट्टा है, और अब मैं छाछ बनाऊंगी। तो छाछ आज पुराने जमाने की जैसे बनाएंगे हम। और आज मैं छाछ बनाऊंगी, और नीचे इसलिए बनाते हैं क्योंकि मम्मी भी ज्यादा नहीं जा पाती है, बार बार ऊपर चढ़ना उतरना नहीं होता है इतना, तो नीचे बना लेते हैं ऐसे इसीलिए। तो यहाँ पे आज मैं छाछ बनाऊंगी, तो मैं इसको साफ कर रही हूँ क्योंकि मम्मी मशीन में बनाती है, भाभी है जो मशीन में नहीं बना रही। आज मुझे इसकी ज़्यादा वो हो रही थी कि मैं छाछ बनाऊँ तो इसी में बनाऊँ, तो मैं इसको अच्छे से साफ करके रख दी। और इधर दाल बन रही है, देखिए आज मैं इसमें छाछ बना रही हूँ, और आज काफी दिनों में बना रहे हैं क्योंकि मशीन से बनाते हैं ना, तो मेरे को इसमें बनाना अच्छा लगता है। और जब मैं कमा रही थी, तो आज मम्मी और पापा जी आ रहे हैं, तो उनके लिए दाल चावल बना रहे हैं हम, क्योंकि हमारे मेहमान जाता है ना, जब भी दाल चावल बनाते हैं, और आते हैं ना जब भी दाल चावल बनाते हैं। वैसे पकवान चाहे कितने ही बनाए, थैंक यू, लेकिन मेहमान के तौर पे हम दाल चावल शुभ मानते हैं, मतलब हमारे तो किसी किसी के तो डेली ही बनाते हैं, रोज बनाते हैं, लेकिन हमारे ना मेहमान आएगा ना जब भी बनाएंगे हम। तो चलो जी आज छाछ बनाते हैं इसमें, और बहुत अच्छा लगेगा मुझे, 10-15 साल में बना रही हूँ मैं। और यहाँ पे दही डाल रही हूँ, और आज दही क्या काफ़ी कम है क्योंकि चाय पानी बहुत ज़्यादा बना रहे हैं ना, तो दूध कम ही रहता है, नहीं तो वैसे काफ़ी सारा दही रहता है जब, तो अच्छा रहता है बनाने में भी, तो यहाँ पे कम ही था दही। तो इसको लकड़ी की होती है ये, तो सब जानते होंगे अच्छी तरह, इसमें इस तरीके से लगा के और फिर बनाते हैं, तो मुझे भी थोड़ा कम आइडिया हो रहा था, तो भाभी लगा रही है। और इसमें क्या दही थोड़ा कम है, फिर भी धीरे ही चलाएंगे, नहीं तो उसको तेज तेज हिलाते हैं ना जब, और भी अच्छा लगता है, काफी सारा दही होता है जब। और जब बड़ी वाली मटकी आती है ना उसमें भी बनाते हैं, मैं तो फिर भी बाल्टी में बना रही हूँ अभी। और मशीन में तो क्या लगा के छोड़ देते हैं तो फटाफट बन जाती है, और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन मैं एक चीज़ नोट करी हूँ कि इसकी छाछ इतनी टेस्टी लगती है, कुछ अलग ही स्वाद आता है, और मशीन की काफ़ी अलग होती है। और यहाँ पे देखिए घी आ चुका है, तो घी निकालूंगी अब मैं। और यहाँ पे भाभी जो पूजा की थाली दे रही है मेरे को, ये लेके चलना है, मम्मी पापा जी आ गए तो हमारे कलश लेके जाते हैं, इस तरीके से शुभ मानते हैं इसको। तो यहाँ पे दोनों भाभी रेडी है लहंगा ओढ़नी पहन के, और यहाँ पे जो सबसे गले मिलते हैं, तो मम्मी भी गले मिल रही थी, और यहाँ पे पापा जी सबको प्रणाम कर रहे हैं, तो बहुत ऐसे मतलब जाते हैं ना फिर भी दुख होता है, लेकिन आते हैं ना जब भी खुशी के आंसू होते हैं, और सब एक दूसरे के गले लगते हैं अच्छी तरह, और बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम रोना आ जाता है, खुशी के आंसू सब रोने लग जाते हैं मतलब। और ये होती है गंगा जल, तो ये मेन रीज़न होता है, तो इतने दूर घूमने जाते हैं ना तो क्यों जाते हैं, तो ये इसलिए एक महत्व होता है कि अपने अपने घरों में गंगा जल लेके आते हैं, तो अलग अलग जो तीर्थ धाम है, बड़े बड़े स्थान हैं, वहाँ से गंगा जल लेके आते हैं, तो इसका बहुत। बोलो गंगा माता की जय। और यहाँ पे जो पूजा करवा रहे हैं मम्मी और पापा जी भी गंगा जल की,
तो सब जाते हैं ना, जितने भी लोग वो सब गंगा जल लेके आते हैं और इसको मंदिर में रखेंगे तो इसके कोई हाथ नहीं लगाएगा। और ये मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में रखते हैं ना, जब भी उठा के लाते हैं घरों में, जब भी काफ़ी बड़ा प्रोग्राम करते हैं, मतलब सब अलग अलग करेंगे, तो पापा जी भी फिर प्रोग्राम करेंगे तो पूरी समाज में से बुलाएंगे खाना खाने के लिए। उसको गंगोज करना बोलते हैं हमारे, कि गंगोज कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे गंगा माता की पूजा कर रहे हैं बैठ के, और फिर उसके बाद में इसको, जो घर के हमारे फैमिली मेंबर हैं कोई भी, वो सिर पे टॉवल रखेगा और घर पे लेके आएंगे। तो इसको देखिए, इस तरीके से घर पे रखिए, गंगा जल है इसके अंदर। तो जगदीशपुरी का, हरिद्वार का, जो भी मेन मेन धाम है वहाँ पे पवित्र पानी है, जल है, तो गंगा जल को इस तरीके से लेके आते हैं फिर। और जो घूमने जाते हैं ना, उसका मेन रीज़न यही होता है गंगा जल लाने का। तो यहाँ पे पूजन हो चुका है, और उसके बाद में यहाँ पे गुरु के चरणों में प्रणाम करके और उनकी जो पावड़ियाँ हैं वो लेके जाते हैं। तो ये हमारे घर पे रखते हैं, तो यहाँ से लेके जा रहे हैं मैं और भैया। और ये हमारी पुरानी बावड़ी है जो आप पिछली बार देख चुके हो। और यहाँ पे उसके बाद में है जो कपड़े उड़ाते हैं, जितने भी फैमिली है, हमारी फैमिली मेंबर है, काफ़ी बड़ा परिवार है वो सब, और जो भी रिश्तेदार हैं वो भी कपड़े पहनाते हैं, और भैया भाभी सब पहनाएंगे, मतलब जो पापा जी से छोटे हैं ना वो सब लोग पहनाएंगे। और ये दादी बोल रही है कि मेरी फ़ोटो खींचो, और फिर मेरे को बोल भी रही है दादी कि मेरे को दिखा कैसे फ़ोटो आई है, लेकिन इनको पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, फ़ोटो नहीं खींची। और यहाँ पे जो ताऊ जी का लड़का सापा बना रहा है, और यहाँ पे मेरे चाचा हैं वो सापा बना रहे हैं। और ये हमारी रीति रिवाज है, सापा मतलब एक सबसे बड़ा महत्व होता है। और सब औरतें आप देख सकते हो चुनरी की साड़ी पहन रखी है, तो ये शुभ काम में पहनते हैं हमारी चुनरी की साड़ी, पीला चुनरी। और यहाँ पे जो पापा जी कपड़े ले रहे हैं चाचा जी से, तो ये मेरे बीच वाले चाचा हैं और ये सबसे छोटे चाचा हैं, तो ये भी पहना रहे हैं पापा जी को। और पूरा पूरा माहौल ना बहुत अच्छा बन जाता है, शादी के जैसे लगता है, काफ़ी लोग होते हैं तो ऐसा लगता है, पूरा मान सम्मान से मतलब स्वागत करके घर पे लाते हैं इनको, पापा जी को, सबको जो भी जाने वाले थे। और सांपा तो हमारी शान है, तो यहाँ पे पापा जी सांपा लगा रहे हैं। और जो जाते हैं ना घूमने, वो छोटी उम्र के नहीं जाते हैं, आजकल तो खैर सभी घूमते हैं, लेकिन ये मतलब सब काम से फ्री हो जाते हैं ना, इनके मतलब पोता पोती हो गए, सब शादी हो गई, सब कुछ हो गया अच्छे से, फिर जाते हैं यहाँ पे तीन धाम घूमने के लिए। और इधर ताऊ जी का है जो साफा, काफ़ी सारे बांध रखे हैं तो रुक नहीं रहे सिर पे, तो वो भी आराम से बांध रहे हैं, सभी बांध रहे हैं मतलब अपनी अपनी जगह। और इधर है जो भाभी मेरे को साड़ी पहना रही है, क्योंकि यहाँ पे बहन बेटी को भी दिया जाता है। और इधर है जो ताऊ जी को देख सकते हो आप, देखिए क्या हो रहा है। और यहाँ पे चाचा जी साड़ी पहना रहे हैं मेरे को, और यहाँ पे सब कपड़े दे रहे हैं। और काफी सारे हो जाते हैं ना सिर पे, तो उनको हटाना पड़ता है। और बड़े बुजुर्ग सब रहते हैं यहाँ पे।
और ये यात्रा करीबन 1.5-2 महीने में पूरी होती है, उसके बाद आते हैं। और यहाँ पे जो भाभी है कपड़े उड़ा रही है मम्मी को लास्ट में, तो यहाँ पे भैया और भाभी भी दे रहे हैं। और यहाँ पे भैया है जो फोटो खिंचवा रहे हैं भाभी और भैया। और ये हमारे ठाकुर जी का मंदिर है, ये हमारा पुराना मकान है खुद का, तो ये पास में ही मंदिर के। पापा जी हमारे देवी देवताओं के ढोक प्रणाम कर रहे हैं, और इधर है जो चाचा जी गुड़िया को खिला रहे हैं, और अभी पापा जी सबके ढोक देके और दादी के ढोक दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो दादी देखिए कैसे प्यार से लाड़ प्यार कर रही है अपने बेटे का। तो ऐसी चीज़ें है ना, बहुत अच्छी लगती है कि बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन माँ ही होती है, बच्चा है बच्चा ही होता है, लेकिन हर किसी की माँ ऐसी नहीं होती है। माँ की आत्मा ना जो अलग ही होती है, माँ का मन जैसा किसी का नहीं हो सकता है। या तो माँ प्यार ही कर सकती है, या कोई माँ होती है कि वो नफरत ही कर सकती है, तो दो ही है इनका मतलब भेद। और यहाँ पे जो पापा जी गुड़िया को खिला रहे हैं, और पापा जी काफ़ी खुश हुए दादी से मिलकर, तो दादी कह रही कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आ गए। तो पापा जी कह रहे थे कि माँ की मूर्त भगवान की मूर्त होती है, तो आपसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा इतने दिनों में। और जो माँ प्यार नहीं करती है ना, वो राक्षस की मूर्त होती है। तो अलग अलग मन होता है सबका। तो यहाँ पे मम्मी के सारे बैग हैं, उनको मैं लगा रही हूँ, और यहाँ पे है सब कुछ हो गया है। और कल दिखाएंगे आपको ब्लॉग की मम्मी क्या लेके आई है हमारे लिए। तो सभी को जय माता दी एंड बाय बाय।